अस्सलामुअलैकुम नाजी, मैं घूम रहा था तो मुझे बहुत प्यारे से भाई मिले। मैंने कहा कि उनसे इंटरव्यू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, ये बताएं क्या नाम है आपका? आशिक हुसैन। ये बताइए कि पहली बार आए या आते रहते हैं यहाँ पे? पहली बार आए। अच्छा, पहली बार आए, सही है। किससे सुना था? सुना था या सोशल मीडिया पे देखा था? अच्छा, सही है। तो आज आप एक्सपीरियंस करेंगे इसको? अच्छा, चले भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक और भाई मुझे मिल गए और मैंने सोचा उनसे भी थोड़ा पूछ लेते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। अच्छा नदीम, ये बताइए कि यहाँ पहली मरतबा आए या आते रहते हैं? पहली मरतबा। अच्छा, तो क्या सोशल मीडिया से सुन के आए या दोस्तों से मशवरा करके आए? सोशल मीडिया पे देखे आए। कहाँ, यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे? अच्छा अच्छा, चले तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? तो इंशाल्लाह अभी एक्सपीरियंस करेंगे ये सारी चीज़ें आप। चलो इंशाल्लाह फिर आपसे पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद शुएब। अच्छा शुएब, ये बताओ पहली बार आए हो या आते रहते हो यहाँ पे? ये पहली बार आए। कहाँ से सुना था इसके बारे में, सोशल मीडिया से या यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह? यूट्यूब वगैरह से सुना था। नहीं, यूट्यूब से सुना नहीं होगा, देखा होगा। जी देखा होगा, बस यही किया कि जाए घूम के आए, मेरी जगह देखे जाए तो। अच्छा सही, तो आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो यहाँ पे? कितने कितने बजे से आए हो यहाँ पे? हम कुछ 4 घंटे हो गए हैं आए हुए। अच्छा 4 घंटे से, माशाल्लाह, देखा। ओके, तो आज एक्सपीरियंस करोगे और बताओगे कि कैसा रहा यहाँ का? आज एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज सुनी सहरी है JDC की जानिब से और आप देख सकते हैं कि JDC का दस्तर खान रमज़ान में लगा करता है और ये रात 1 बजे से इसका आगाज़ हो जाता है। तो लोग इस वक्त खाना आना शुरू हो गए हैं और लोगों का एक जमा खबीर आप देख सकते हैं कि एक अपने अपने दस्तर खान में अपनी अपनी नशस्तों को वो बैठते हैं। तो ये है कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो रोज़ाना के बेस पर आते रहे हैं, ठीक है। ये वो आवाम है जो कि अपने घर में राशन या जो चीज़ें हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। उनको यहाँ पे बहुत इज्जत और मर्तबे के साथ बिठाया जाता है, उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है गुल माहौर के जो डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये मुजफ्फर अब्बास के पास जा रहे हैं। पूरी एक जो उनकी गुल माहौर की सिक्योरिटी है वो सब यहाँ पे देख सकते हैं कि आज
जी इस तरह तो खवातीन हैं और इस तरह हजरात हैं, और आप देख सकते हैं कि साथ ही साथ हैं, आप देख सकते हैं कि नाज़रीन किस तरीके से ये तमाम जो लोग हैं बैठे हैं सहरी करने के लिए आए हैं। ये वो लोग हैं जो कि ये अपने घर में अफोर्ड नहीं कर सकते सहरी को, और लोगों की आमद और रफ्त जो है वो आपके सवा तीन बजे। वो आप देख सकते हैं कि लोगों का एक जमा गफीर है। गुलमोहर के लिए भी आज एक मुहिम है जिसमें प्लॉट निकलेंगे 18 रमज़ान को, तो देखिएगा अभी शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहि अल-क़ुरआन। रमजान वो महीना है कि जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अल्लाह तबारक व तआला माह रमजान का तआरुफ रोजों से नहीं करवा रहा, बल्कि अल्लाह माह रमजान का तआरुफ कुरान के आपकी नजरों में जो सबसे अहम वाक्या है आपने मेरे कहे बगैर खुद जुमला कंप्लीट किया। तो बिल्कुल इसी तरह इस कुरान अभी काफी दिन बाकी है, जिनकी तवज्जो सही नहीं है कुरान की तरफ वो मेरी बात सुन ले और अपनी डायरेक्शन सीधी कर ले, अपना रवैया सीधा कर ले कुरान के बारे में। तो हम लोग कुरान की तरफ तवज्जो करते हैं, हमारी माए बहने खवातीन हजरात सब मुसलमान कुरान मजीद की तरफ तवज्जो करते हैं, लेकिन उस तरह नहीं करते जिस तरह अल्लाह ने कहा। इसी आयत से जब माह रमजान का तआरुफ ये कहकर करवाया कि माह रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ, तो अगर कोई पूछे या अल्लाह कुरान क्या है, कुरान के साथ हम क्या रवैया रखें, तो फौरन फरमाया, खुद तआरुफ करवाया कि किस निगाह से कुरान को देखो, किस निगाह से खोलो, किस इरादे से खोलो। फरमाया हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। लोगों के लिए हिदायत एक मुसलमान को चाहिए, एक रोजेदार को चाहिए कि कुरान को इसी निगाह से देखे। और दूसरी बात, इसी कुरान से हमारे जफर भाई अल्लाह ताला इनकी कौफिकात में इजाफा करे और इनको मजीद ये बेहतरीन काम इंसानियत की खिदमत के मसलकी और फिरकों के तअस्सुब से जो बाज़ अवक़ात जिनकी वजह से हमारे इस अजीज वतन की फिजा आलूदा हो जाती है, उससे बालातर होकर बहुत सारे काम खासतौर पर कराची में और बाज़ पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी कर रहे हैं। आप सबको दावत देने लगा हूं मैं, अगर आपसे सवाल करूं कि आप कयामत पर ईमान रखते हैं या नहीं रखते, आप क्या कहेंगे? कोई मुसलमान है जो कहे कयामत कोई नहीं आएगी? मैं कयामत को झुठलाता हूं, कोई है मुसलमान? कोई नहीं हो। लेकिन अल्लाह ताला हमारी जुबान से कई भी बात को तस्लीम नहीं करता। कुरान मजीद में कुछ नहीं करना, इनके फॉर्म पे अपना नाम और फोन नंबर लिख लेना है, वो डब्बे में डल जाएगा। तीसरे दिन यहाँ तीन नाम निकल आएंगे, जिसका नाम निकलेगा उसको 25 लाख का प्लॉट यही गली। अच्छा, अगर वहाँ रश है तो आप कल अपने सादे पर्चे पे अपना नाम और अपना फोन नंबर लिख के लाइएगा, उस डब्बे में डाल दिएगा, नाम और वालिद का नाम, तो वो भी निकल आएगा। मैं गुजारिश करूंगा गुलमोहर के चेयरमैन जनाब कैप्टन नदीम साहब से आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ ज़फ़र अब्बास भाई का कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया। और जो चीज़ गुजारा मैं इस वीडियोज को देख रहा था, तो मैं इनके पेज को फॉलो करता हूँ, मगर जो खुशी मुझे यहाँ आकर महसूस हो रही है मैनेजमेंट के साथ ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं वो काबिल सराहना है। और मैं इसी प्रेजेंटेशन में शामिल हूँ और इंशाल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानी भाई और कराची के लोग जो सरमायेदार हैं और हकदारों को उनका हक पहुँचा रहे हैं, ये यकीन मसीहत का बन रहा है।
शाबाश पीछे, शाबाश तेज तेज देखे, एक बार सबको मिल गए, अब दोबारा जा रहे हैं, ठीक है? मैं माइक पे भी बता रहा हूँ, शाबाश शाबाश शाबाश। यहाँ प्लीज अच्छा आइएगा, आपसे जो भी सोचित बात करनी है, हम दे देनी है दरखास्त हमारे ऑफिस में। थैंक यू, थैंक यू। उसको दिखा दो ना, इख्तिताम हो रहा है।